सुबह के 6 बजे हैं और वेलकम टू ओम निशी वर्ल्ड। हम आ गए हैं लता मंगेशकर चौक। ये नया है और यहाँ वीणा रखी गई है लता मंगेशकर की याद में। उन्हीं की याद में ये चौक बनाया गया है। एक बहुत ही अच्छी इनके एक पोर्ट्रेट पेंटिंग भी बनाई गई है यहाँ पे। सुबह का वातावरण इतना सुंदर और इतना पीसफुल था। हर तरफ भगवान जी के गाने, लता मंगेशकर जी के गाने, यहाँ पे जो उन्होंने गाना गाया है वो सब चल रहे थे और इतनी सुंदर एक वाइब आ रही थी हर तरफ। लग ही नहीं रहा था कि सुबह के 6 बज रहे हैं। हर तरफ माहौल बहुत ही सुंदर था, आप देख सकते हैं। राम मंदिर के साथ साथ यहाँ पे ये नया घाट बना है जो बहुत ही सुंदर और बहुत साफ सुथरा था। जहाँ पे दीप उत्सव बनाए गए थे ये वो जगह है। और नहाने का जो स्थान है वो अलग सरयू नदी का स्थान है, जहाँ पे नहाने का और जो बोट चलती है ये सिर्फ यहाँ पर है कि आप यहाँ बैठ सकते हैं, आप दिया वगैरह जला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गंदगी बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिल्कुल वर्जित है। हमारा देश भारत में ना जाने कितनी विविधताओं से भरा हुआ है, कितने पहाड़, झरने, खूबसूरत नदियाँ से बना हुआ है। देश के कई खूबसूरत की खूबियों को समेटे हुए, खास तौर पे जब बात नदियों की आती है तब इनका महत्व इतिहास काफ़ी पुराना हो जाता है। नदियाँ हमारे देश के कई हिस्सों में जीवन रेखा का काम करती है। गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा जैसी पवित्र नदियाँ हमारे देश में अलग अलग हैं, वैसी सरयू नदी श्री राम जी वनवास के काल से लेके अयोध्या वापस आने तक की साक्षी रही हैं। सरयू नदी का अपना ही इतिहास और अपनी ही एक पहचान है। सरयू का मतलब ही होता है एक पवित्र नदी। तो आइए जानते हैं सरयू नदी के इतिहास और उनके उद्गम की कहानी। भौतिक काल की दृष्टि से देखा जाए तो सरयू नदी वास्तव में शारदा नदी की एक सहायक नदी है, जिसे सरजू के नाम से जाना जाता था। यह नदी उत्तराखंड में शारदा नदी से अलग होकर उत्तर प्रदेश की भूमि के मध्य में प्रवाह जारी रखने लगी। इसीलिए ये उत्तर प्रदेश की आबादी के लिए एक पानी का एक प्रमुख स्रोत बन गया। सरयू नदी मुख्य रूप से हिमालय के तटवर्ती क्षेत्र से निकलती है, जो शारदा नदी की सहायक नदी बन जाती है और ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों के बीच से गुजरती है। यह नदी अगले 350 किलोमीटर तक बहती है। सरयू नदी उत्तर प्रदेश में सबसे प्रमुख जल मार्गों में से एक नदी है। हिंदू शास्त्रों में, वेद में, रामायण में मिलता है। यह गंगा नदी की 7 सहायक नदियों में से एक है। आसपास का नज़ारा आप देख सकते हैं। पूजा पाठ का सामान मिल रहा है यहाँ पे और आपको वस्त्र मिल रहे हैं स्नान करने के लिए, और यहाँ पर आपको पानी की छोटे छोटे कैन मिल रहे हैं जो आप सरयू नदी का पवित्र गंगा जल भर के आप अपने घर पे लेके जा सकते हैं। ठंड बहुत ज्यादा थी, काफी ज्यादा फॉग था। हमें तो नदी का जो दूसरा सिरा था वो तो दिखाई नहीं दे रहा था, पूरा फॉग हो रहा था हर तरफ, बिल्कुल धुंधी धुंधी, बहुत ठंड थी। लेकिन आस्था में डूबे लोगों को ठंड की परवाह कहाँ, जय गंगा मैया कह के सब डुबकी लगाने में लगे हुए थे। आप देख सकते हैं आसपास का नज़ारा। ये वो जगह है जहाँ पे पवित्र नदी शाम को यहाँ पे आरती होती है, संध्या आरती होती है, जो कहते हैं कि देखते ही बनते हैं। हम मिस कर दिया था, हम नहीं देख पाए थे। और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ जरूर यहाँ की आरती जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी होती है। आप देख सकते हैं नज़ारा कितना खूबसूरत है। जहाँ तक दूर दूर तक जाएंगे आप देख सकते हैं कि सारा नदियों का वेग है। काफ़ी बड़ी नदी है, काफ़ी चौड़ाई है इस नदी की, काफ़ी बड़े वेग में ये नदी आ रही है। मैंने आपको सारी नदी के बारे में सारी जानकारी दी है।
आगे जाके ये गंगा में ही मिल जाती है, तो फिर ये गंगा में विलीन होके एक स्वरूप गंगा का ही ले लेती, गंगा का ही स्वरूप है ये सरयू नदी। तो आपको मैंने सारी नदी के बारे में, सरयू नदी के बारे में मैंने सारी जानकारी दी है। यहाँ पे नहाने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, लेडीज़ों के लिए एक प्रॉपर एक बाथरूम जैसे बना रखे हैं, नहा के आप वहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज कर सकते हैं। बस थोड़ा सा मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो हम यहाँ पे जो लोग आते हैं, थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखिए। देखिए ये हमारी ही जगह है, आप आ जा रहे हैं, हो सकता है थोड़े टाइम के बाद आप ही आएंगे, जब अगर आप इतनी गंदगी करके रखेंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरी हर किसी से यही प्रार्थना है जो मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं, वो आगे भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि और लोगों को भी ये पता लगे कि जब आप यहाँ पर आते हैं सबसे पहले तो यह है कि ये एक पवित्र नदी है। आप किसी भी पवित्र नदी के पास जब जाते हैं तो आप स्नान करने के बाद कृपया कपड़े उसमें ना धोएं। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोगों को मैंने देखा जो कपड़े वहीं धो रहे थे, प्लीज़ ऐसा ना करें। आप अपनी अपने सनातन और अपने हिंदू धर्म का जो पालन जिस तरीके से किया जाता है, जिस तरीके से आपकी आस्था है कि आप इतनी ठंड में आके भी यहाँ नहा रहे हैं, तो कृपया आपसे अनुरोध है कि आप यहाँ पे कपड़े ना धोएं, क्योंकि पवित्र नदी में साबुन लगाना या कपड़े धोना वर्जित है। आप जितना पुण्य कमाएंगे नदी में नहा के उतना ही पाप अपने साथ लेके जाओगे। तो प्लीज़ इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि अगर आप जो सत्कर्म करने आए हैं सिर्फ आप नहाइए, उस नदी का आप जल अपने साथ लेके जाइए और नदी की स्वच्छता को प्लीज़ बनाए रखिए। देखिए ये हमारे बस के हमारे यात्री हैं, जो हमारे सहेली, हमारी फ्रेंड, हमारे बच्चे जैसे कुछ, हमारे ये दो बच्ची थी सुगंधा और पारू, जो बिल्कुल हमारे बच्चों की तरह थी। इन लोगों ने हमारा ख्याल भी रखा और हमारे साथ एक अच्छा सफ़र कटा इन लोगों के साथ। और ये देखिए लग इतनी ठंड है, नहा रहे हैं और कांप भी रहे हैं ठंड से। काम दे दिया बता ऐसे टाइम पे भी कैप्चर हो रहा है कि हाँ। देखिए इसी ठंड के भी सूर्य देव जी ने हमें दर्शन दे दिए हैं, तो जय सूर्य देव। देखिए हमने सरयू नदी में घूमने के लिए एक बोट कर ली थी, जो 200 रुपये पर पर्सन मांग रहा था, तो फिर उसने 150 रुपये पर पर्सन लिया था, तो हम लोगों ने ये बुक कर ली थी ताकि हम एक राउंड लेकर आए नदी के। तो हमने यहाँ पे सब हम बैठ रहे हैं और हम हमें इंजॉय करेंगे आगे जाके। ऐसे यहाँ बैठो, देखिए सब हमारे संगे साथी आ रहे हैं। बैठिए यहाँ आओ, सेंटर बुढ़िया इधर आ जाओ, बुढ़िया इधर आ जाओ, आओ मम्मा यहाँ बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, ये डालो। जरूरी है क्या? कोई नहीं, ऐसे थोड़ा थोड़ा हाथ में ले लो, थोड़ा थोड़ा हाथ में ले लो, थोड़ा सही लगा लो। ये सेफ्टी जैकेट भैया ने दी है कि कंपलसरी है ये पहनना, सेफ्टी पर्पस के लिए, क्योंकि पानी बहुत गहरा है।
आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे लाइटिंग वगैरह होती है, यहाँ पे शो भी होते हैं। आप नदी के किनारे बैठ के वहाँ पे देख सकते हैं, और इसकी प्रॉपर इसके लिए टिकट वगैरह बुकिंग होती है, तभी यहाँ पर लाइटिंग शो वगैरह होता है। देखिए ये इनकी यहाँ पे शॉपिंग चल रही है, खट्टी मीठी गोलियाँ, कुछ बिस्किट, स्नैक्स रास्ते में बस के लिए ले रहे हैं। देखिए बहुत ठंड लग रही थी तो सबका स्नान हो गया, हमने यहाँ पे चाय के लिए बोला, हमने चाय पी अदरक वाली, बिल्कुल मस्त चाय बना के दी भैया ने, और पारोले कुछ समोसे यहाँ पे जो गरीब लोग बैठे हुए थे उनको खिलाए। अच्छा लगा, ऐसा करना चाहिए। देखिए जो आपसे हो पाता है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा तो करना ही चाहिए हर इंसान को। देखिए हर कोई अपनी अच्छी अच्छी फ़ोटो यहाँ पे खिंचवा रहे थे, कोई सेल्फी ले रहा, कोई फैमिली के साथ फ़ोटो खिंचा रहा, हर कोई अपने साथ यादें लेके जाता है उस जगह की, उसको फिर याद करता है, उन समय को याद करता है कि हमने यहाँ पे फ़ोटो खींची थी, इस जगह पे हमने ये खाया था, वो खाया था, ये सब यादें बन जाती है हमारी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादें होती है जब हम किसी जगह पे घूमने जाते हैं अपने परिवार के साथ या हम अकेले भी हों, तो ये यादें ही हमारी लाइफ में आगे जीने का काम करती है। तो इतनी सुंदर जगह को भी हम अपनी यादों में और अपनी आंखों में समेट के, और ये सूर्य चिन्ह है जो सूर्यवंशी श्री राम जी का जो वो है चिन्ह है, सूर्यवंशी थे वो, तो इसलिए यहाँ पे ये सूर्य का लोगो लगाया है। और ये वीणा इतनी सुंदर है, इसकी तारीफ करते ही बनती है, ये इतनी बड़ी बनी हुई है। यहाँ पर हर कोई फ़ोटो खिंचा रहा था तो बहुत अच्छा लगा, हमें भी काफ़ी देर हो रही थी तो हम यहाँ से जल्दी जल्दी फ़ोटो खींच के कैप्चर करके हम यहाँ से जल्दी से निकले हैं, ताकि हम अपने टाइम से अपने होटल के पास जाए,
क्योंकि वो लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं बस पर, बस के लिए जाने के लिए। और देखिए ये कितना अच्छा हीटिंग का बना रखा है, ऐसे राम मंदिर में भी बने हुए थे, इसमें हीटिंग होती है आराम से। आप यहाँ से देख सकते हैं हम आ गए अपने कनक भवन, जहाँ हमारा रुकने की व्यवस्था करी हुई थी खन्ना जी ने। हमने यहाँ पे सुबह ब्रेकफास्ट करके निकल गए थे, अब आगे कुछ खाएंगे तो बताएंगे जो भी होगा, अब वो मेरे आगे के ब्लॉग में देखिएगा। ये मेरा यहाँ का अयोध्या का जो मेरी यात्रा है यहाँ समाप्त हो गई है। अभी हम आगे जा रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूँगी। थोड़ा नहीं बचना।